लेकर बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली में सरकार बनेगी या नहीं इस पर फैसला जो है वो एलजी पर छोड़ दिया है। एलजी को समय देने के हक में है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, और ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार की संभावना है और एलजी ने जो कदम उठाया है कि सभी दलों से बातचीत करेंगे, ये सकारात्मक कदम है और सरकार पर अब एलजी ही अंतिम राय देंगे। बड़ी खबर दिल्ली में सरकार को लेकर, आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष बताइए क्या कुछ है पूरी जानकारी। देखिए, इतने दिनों से लगातार केंद्र सरकार फटकार लगा रही थी, लेकिन जब आप प्रशांत भूषण की तरफ से कोर्ट को ये सूचना दी गई कि पिछले दो दिनों में दिल्ली में लेकर जो उपराज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक सारे दलों से वो जाके मिले हैं सरकार को फॉर्म करने को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लगातार न्यूज चैनल और न्यूज पेपर में ये पढ़ रहे हैं कि उपराज्यपाल सभी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, ये बेहद अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली में अल्पमत की सरकार भी बने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल सभी संभावनाओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर संभावनाएं नहीं बन पाती, यानी अगर सरकार बनाने की संभावनाएं नहीं बन पाती, तो हो सकता है आगे चलकर वो कुछ सजेस्ट करे। यानी सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल के इस कदम से बेहद प्रभावित हुआ है, जिसमें उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सभी दलों से बात कर रहे हैं। जी राकेश, आशीष, जिस तरीके से कल जो प्रेस रिलीज आई थी एलजी की ओर से, ये कहा गया था कि सभी दलों से बातचीत करेंगे, उस पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई थी कि ये सिर्फ हियरिंग को टालने की बात है, क्या कोर्ट में कुछ आम आदमी पार्टी की ओर से प्रशांत भूषण की ओर से इसके बाद कुछ कहा गया क्या? बिल्कुल राकेश, मैंने यही बात आपको कही कि प्रशांत भूषण की तरह सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, प्रशांत भूषण की तरफ से यह कहा गया कि एलजी ने सभी दल के जो नेता हैं उनसे मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बीच में ही रोकते कहा कि हाँ, हमने भी ये सारी चीजें न्यूज़पेपर टेलीविजन पे देखी है, ये बेहद एक सकारात्मक कदम है। यानी उपराज्यपाल के इस कदम की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की, कहा कि हो सकता है दिल्ली में अल्पमत की सरकार बने, सरकार बीजेपी की यानी बन सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है, अल्पमत की सरकार कोई भी बनाए। तीसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि एलजी हर कोशिश कर रहे हैं, यानी अभी तक जो आरोप लगते रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एलजी पे लगाती रही है कि एलजी दिल्ली में सरकार बनाना नहीं चाहते, वो केंद्र के काम कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर एलजी हर कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये संभव कोशिश है, अगर दिल्ली में सरकार फॉर्म नहीं हो पाती, गवर्नमेंट नहीं बन पाती, तो हो सकता है आगे चलकर वो हमें बताएं। तो जाहिर तौर पर ये एक सकारात्मक कदम है, उपराज्यपाल ने जो लिया है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है। अच्छा, आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के कदम को संतोषजनक बताया है, एक पॉजिटिव स्टेप बताया है कि एलजी सभी दलों से बातचीत करेंगे और एलजी पर अंतिम फैसला छोड़ा है, और यह भी साथ कहा कि अल्पमत सरकार की संभावनाएं हैं। बड़ी खबर पर बने हुए हैं, रुकेंगे ब्रेक के लिए।